कांग्रेस का विद्युत मंडल के बाहर धरना प्रदर्शन। हम आपको बता दें कि विगत कई महीनों से गरीब आम जनता को बढ़ते बिजली के बिलों की मार को झेलना पड़ रहा है। उसमें कई लोग मजदूरी कर घर चलाने वाले हैं तो कई लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं। कोरोना महामारी के संकट के बाद उन्हीं गरीबों के साथ आज कांग्रेस पार्टी ने बिजली घर के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे और विद्युत मंडल के आला अधिकारियों को चेताया कि बिजली बिलों को कम किया जाए और बिजली मीटरों की जांच कराई जाए और कर्मचारियों के रवैये को सही किया जाए। इन्हीं मांगों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली बिलों को जलाया गया। वहीं कांग्रेस नेता निजाम ने बताया कि हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सेल कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे यहाँ पे किया गया था। मुख्य मांग थी हमारी कि जो विद्युत बिजली के जो बिल हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि करके आ रहे हैं, उनको कम किया जाए। यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जो रवैया है जनता के प्रति उसमें सुधार किया जाए, ऐसी मांगों को लेकर आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। ये मांगे पूरी नहीं होने पर आगे और क्या करेगी कांग्रेस? उग्र आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, सड़कों पर लड़े लड़ेगी किसानों की, जनता की, आम लोगों की और गरीबों की, और इनको जो हमने मांगी की मानना पड़ेगी। क्या कुछ आश्वासन दिया गया कांग्रेस पार्टी को ज्ञापन देने के बाद? आज उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पहुँचा देंगे और उसके बाद यहाँ से जो इनके जो रवैये की वाली बात थी अधिकारियों की उनको सुधार करने के लिए आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से हम संतुष्टिपूर्ण जवाब देंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ लोकल मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जावरा से इमरान खान की रिपोर्ट।